हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में? कि जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोकैरियोटिक टाइप का है, तो उसके अंदर वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन होता है। दैट मीन वो वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करता है, कायिक जनन। किस किस तरह से करता है? तो फर्स्ट था बाइनरी फिजन। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो इसी पे आता है। एक बैक्टीरिया 20 मिनट्स में बाइनरी फिजन करता है, जिसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते थे? फर्स्टली बैक्टीरिया अपनी साइज इंक्रीज करता है, उसके बाद एक फिक्स साइज अटेन करने के बाद पहले साइज इंक्रीज करता है, फिर जब वो साइज अटेन कर लेता है तो उसका डीएनए रेप्लिकेट होता है। किस तरह का रेप्लिकेशन है? सेमी कंजर्वेटिव, जैसा कि नॉर्मल हम पढ़ते हैं। अब ये जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है तो इसके अंदर सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। सेप्टम क्या? पट। यहाँ पे मीजोसोम होता है, वो इस तरह से अंदर की तरफ इनफोल्डिंग करेगा और इस तरह से धीरे धीरे ये इनफोल्डिंग बाहर वाली वॉल की भी होगी। और ये डिवाइड हो जाता है। वेट अ मिनट, इस तरह से। इसके बाद जिसका डीएनए है वो इस तरह से दो में चला जाता है, एंड देन सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। पहले पार्शियल सेप्टम बनेगा, यानी कि आधा सेप्टम, और बाद में ये पूरा सेप्टम बन जाएगा। एंड देन ये दोनों सेल्स अलग अलग हो जाती हैं। जैसे डिवीजन होता है, माइटोसिस, मियोसिस, उस तरह का डिवीजन यहाँ हो रहा है, लेकिन इसे बोलते हैं ए माइटोटिक। किस टाइप का डिवीजन है इसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर जो डिवीजन होता है उसे ए माइटोसिस कहते हैं। ओके, ए माइटोसिस को हिंदी में कहा जाता है असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। एंड देन ये दो डीएनए बन जाते हैं, बैक्टीरिया की डॉटर सेल्स। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था और बोला था कि 20 मिनट्स लगते हैं एक को, तो 24 आवर्स में बैक्टीरिया कितने बनेंगे? उनका नंबर होता है 47 × 10^-20। 24 आवर्स में इतने बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद में सेकेंड जो टाइप था, ये फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप की बात करें अगर असेक्चुअल के अंदर ही, वेजिटेटिव के अंदर ही, तो सेकेंड टाइप में बडिंग थी, मुकुलन। जैसे हाइड्रा के अंदर होता है कि ये पूरा एक बैक्टीरिया है और इसके यहाँ पर एक छोटी सी बड बनती है, आउटग्रोथ। ये आउटग्रोथ धीरे धीरे साइज इंक्रीज करती है और इसके अंदर फिर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए का, मतलब इस बैक्टीरिया का, वो भी रेप्लिकेट होके पहुँच जाता है। एंड देन ये बड इस बैक्टीरिया से डिटैच हो जाती है एंड न्यू प्लांट को, न्यू बैक्टीरियल सेल को डेवलप कर देती है। न्यू बैक्टीरिया सेल डेवलप हो जाती है। तो ये होता है बैक्टीरिया के अंदर बडिंग। थर्ड टाइप जो हमने पढ़ा था वो था गोनिडिया।
कि जो इनका साइटोप्लाज्म है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और हर एक सेगमेंट क्या करता है, एक एक न्यूक्लियस को कंटेन कर रहा है, डीएनए को कंटेन कर रहा है, एंड देन जैसे ही ये इस स्टेज को गोनेडिया स्टेज कहते हैं, और जैसे ही इनकी वॉल रप्चर होती है, ये सारे ही सेगमेंट, माइक्रो सेगमेंट जो हैं, जो कि गोनेडिया कहला रहे हैं, डेवलप करेंगे एक न्यू बैक्टीरियल सेल को। इसके अलावा एक हमने पढ़ा था सिस्ट पुटिका के द्वारा, कि इसके अंदर जितना भी बैक्टीरिया के पास जितना भी इसका साइटोप्लाज्म है वो इसकी सेल वॉल से डिटैच हो जाता है, राउंड हो जाता है इस तरह से, और एक थिक वॉल को डेवलप कर लेता है, चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेता है, क्योंकि गोनीडिया एंड सिस्ट दोनों ही अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहे हैं, तो इन्हें क्या करना है, जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसे सहन करना है। एंड जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये रप्चर होता है, ये इनका जो प्रोटोप्लाज्म है ये बाहर आता है और एक न्यू बैक्टीरिया को डेवलप कर देता है। किस केस के अंदर क्या क्या हो रहा था, दैट मीन इनके एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल लिया था, विब्रियो मैनली। सेकंड बडिंग का एग्जाम्पल हमने लिया था, बडिंग किस में होती है, हाइपो माइक्रोबियम में बडिंग। थर्ड गोनीडिया ले लीजिए, थर्ड आपके वैसे ये है सिस्ट, लेकिन गोनीडिया किसके अंदर मिलता है, तो गोनीडिया आपको जो भी बैक्टीरिया है वो जब अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है तब आपको ये मिल जाता है, लेकिन सिस्ट स्पेसिफिक दे रखा है, गोनीडिया के लिए स्पेसिफिक नहीं दे रखा है, लेकिन सिस्ट के लिए स्पेसिफिक दे रखा है कि सिस्ट एजोटोबैक्टर के अंदर मिलता है, एजोटोबैक्टर इसके अंदर सिस्ट मिलता है। चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कि असेक्चुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया के अंदर। हमने वेजिटेटिव पढ़ लिया, अब असेक्चुअल पढ़ना है, असेक्चुअल रिप्रोडक्शन किस किस के थ्रू बताया था, असेक्चुअल मैंने याद कीजिए, असेक्चुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया बनते हैं, कोनिडिया के द्वारा होगा। सेकंड एंडोस्पोर्स के द्वारा होगा, या फिर एक तरह के मोटाइल स्पोर जो हैं ओइडियोस्पोर, ओइडियो स्पोर्स इनके द्वारा होगा। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं बायकोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो कोनिडिया एक तरह से आप ऐसे मान लीजिए कि आपने फंगी के अंदर देखा होगा, फंजाई के अंदर, कि ये गोल गोल या फिर ऐसे मानो रोडसेप्ड के स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि स्फेरिकल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ब्रांचेस में, ब्रांचेस कैसे, ये स्पेसली स्ट्रेप्टोमाइसिस के अंदर मिलता है, माइसिस के अंदर मिलता है, जो कि एक्टिनोमाइसिटिस का मेंबर है, एक्टिनोमाइसिटिस का मेंबर है। आप लोगों ने जब फंजाई पढ़ी होगी तब आपने कोनिडिया वहाँ पे डेवलपमेंट देखा होगा, कि कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया आपको जो फिलामेंटस थैलस होते हैं, उन फिलामेंटस थैलस में कैसे थैलस होने चाहिए, इसके लिए पहली चीज फिलामेंटस तंतु की, सेकंड इनके अंदर इस तरह से ट्रांसवर्स सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, ये बने ट्रांसवर्स सेप्टम, और ये ट्रांसवर्स सेप्टम क्या करते हैं, ये ट्रांसवर्स सेप्टम इसे बहुत सारे सेल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इस फिलामेंट के अंदर ट्रांसवर्स सेप्टम अनुप्रस्थ पटों का
सेप्टम। अनुप्रस्थ पटों का निर्माण होता है इस वजह से, ये इस तरह से मिल जाएगा। अब इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो इस तरह से राउंड राउंड हो जाएगा, वॉल से दूर हट जाएगा और ये कहलाएंगे कॉनिडिया। और ये बनते कब हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनफेवरेबल कंडीशंस में। ये जो ट्रांसवर्स सेप्टम बने, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये ट्रांसवर्स सेप्टम इस तरह से टूट के हर एक कॉनिडिया एक्सपोज होगा सॉइल से या नेचर से, या नेचर कह लो, एनवायरमेंट से, एंड न्यू बैक्टीरिया का थैलस यानी कि फिलामेंट बनाएगा। ये होता है कॉनिडिया के द्वारा, जो आपने फंजाई के अंदर पढ़ा होगा कॉनिडिया। इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं जिन पर ये कॉनिडिया बनते हैं? तो इन ब्रांचेस को बोलते हैं कॉनिडियोफोर, कॉनिडियोफोर, और इन्हें कहेंगे कॉनिडिया। ओके, ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और इनका जो ऑर्डर है वो बेसिपेटल होता है। बेसिपेटल का मतलब कि यंग वाला जो अभी अभी उगा है या जो अभी अभी बना है वो होगा बेस पे, यहाँ पर ये होंगे यंग, और ओल्ड वाले होंगे टिप पर, ओल्ड वाले टॉप पर या फिर टिप पर। तो ये होता है कॉनिडिया के द्वारा। अब सेकंड लेते हैं बाय एंडोस्पोर्स या फिर बाय इडियोस्पोर। चलिए सेकंड बाय इडियोस्पोर लेते हैं, इडियो स्पोर। अब ये इडियोस्पोर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है स्पोर है, यानी कि एक तरह का बीजाणु है। होता कैसा है ये बीजाणु? ये आपको एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर मिलेगा। इसमें जैसे कि फिलामेंट है, इस फिलामेंट में अगर ये इस तरह से डिवीजन हो रहा है बेस से लेके टॉप तक या टिप तक, तो वहाँ पे कॉनिडिया बन रहे हैं अगर, तो उसे हम कहेंगे कॉनिडियोफोर। लेकिन अगर ये जो फिलामेंट हैं, इन फिलामेंट के टिप पर सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया और इनके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है, वो इस तरह से स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना ले, तो इसे कहेंगे ओडियोस्पोर। दोनों सिमिलर ही हैं, बस फर्क क्या है, ये टिप पर बन रहे हैं और इस तरह से टिप पर सीधे एक सेप्टम का फॉर्मेशन होगा और उस पूरे ही जो सेल है, सेप्टम वाली सेल को इडियोस्पोर कहेंगे। एंड जैसे ही इनको भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट होंगे और एक नया बैक्टीरिया फॉर्म करेंगे। तो दोनों में सिमिलर ही है, बस ध्यान रखना ये बेस से टॉप की तरफ बनते हैं, ये इनके टॉप पे बनते हैं। ये मिलते किस में हैं? तो ये आपको मिलेंगे एक्टिनोमाइसिटीज में ही। इसके बाद थर्ड लास्ट और सेक्चुअल का एंडोस्पोर। एंडोस्पोर हिंदी में क्या कहते हैं? एल्गी में भी पढ़ा होगा, फंजाई में भी पढ़ा होगा, अंतः बीजाणु, अंतः बीजाणु। तो जैसे वहाँ पर हमने कहा था कि सिस्ट, याद रखिएगा मेनली कि क्या है सिस्ट, एक तरह का बीजाणु ही था, सुप्त बीजाणु, जिसपे सिर्फ एक थिक वॉल बन गई थी और एज अ स्पोर ही काम कर रहा था, पुटिका जैसे कहा था। गोनिडिया में इसकी सिर्फ टर्म याद रखना कि प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और उसे हम गोनिडिया कह रहे हैं। मैन किस पे फोकस किया था? बाइनरी फिजन पे, बाकी सबको हल्का हल्का देखा था। वैसे ही हमें मेन फोकस एंडोस्पोर पे करना है इसमें, और जो ध्यान रखना है वो एंडोस्पोर क्या है, कॉनिडिया क्या है, इनके बारे में हल्का हल्का ध्यान रखना है, लेकिन मेन फोकस एंडोस्पोर पे करना है असेक्चुअल के अंदर। चलिए एंडोस्पोर्स की बात करते हैं। तो ये एंडोस्पोर भी कब बनते हैं? जब अनफेवरेबल
कंडीशंस होती हैं। अनफेवरेबल कंडीशन कैसी, कि जब इनके लिए जैसा इनको ग्रोथ चाहिए थी, कि जब ये हॉट वाटर में ग्रोथ कर रहे हैं या इनको कोल्ड चाहिए, इनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस परिस्थिति को प्रतिकूल परिस्थितियां कहते हैं। उस समय ये बनते हैं। अब ये जो एंडोस्पोर है, इसको सबसे पहले किसने बताया था? तो एंडोस्पोर के बारे में सबसे पहले बताने वाले जिन्होंने जानकारी दी थी, उनका नाम है कोहन, 1877 में दिया था इन्होंने, एंड कोच, दोनों 1877। तो कोहन एंड कोच ने बताया कि बैक्टीरिया के अंदर भी एंडोस्पोर्स मिलते हैं, वरना अभी तक हमने सिर्फ जो हायर प्लांट्स हैं या एल्गी वगैरह हैं इन्हीं के अंदर देखा था। अब जो एंडोस्पोर्स को बनाता है वो मेनली कैसा होता है, ऐसे कह लीजिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैरासिटिक नेचर का होगा। पैरासिटिक दैट मीन कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज कोज करेगा, डिजीज कोज करने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। ये एक तरह से उस सेल के अंदर बनेंगे, और ये एंडोस्पोर्स उसके जो सीड्स हैं, ये स्पोर्ट्स क्या करते हैं, ये स्पोर्ट्स डिजीज कोज करते हैं हाईली। होता क्या है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो पूरा एक प्रोसेस चलता है लंबा, उसमें कुछ स्टेजेस आती हैं, जीरो से लेके फोर तक, सेवन तक। इनके अंदर पूरा एंडोस्पोर बनेगा, एंड एंडोस्पोर डेवलप होने के बाद वो जर्मिनेट होगा। तो एक बार इन स्टेजेस को देखते हैं। चलिए, फर्स्ट स्टेज, स्टेज जीरो। स्टेज जीरो में क्या होगा कि सबसे पहले, स्टेज जीरो कह लीजिए या ओ स्टेज कह लीजिए, इस स्टेज के अंदर जिसे भी एंडोस्पोर बनाना है वो सेल क्या करेगी, अपनी साइज को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। एंड इसका जो डीएनए है, दो पॉइंट आएंगे इसके अंदर, इसका जो डीएनए है वो डीएनए क्या करेगा, एक तरह से एक्सियल फिलामेंट बनाएगा। एक्सियल फिलामेंट का मतलब अक्षीय तंतु, अक्षीय तंतु। दैट इज कि एक यहां से लेके इस पोल से लेके इस पोल तक का एक इस तरह का फिलामेंट बनाएगा। तो इसके अंदर एंडोस्पोर की जो सेल है, जिसे भी सेल बनाना है, जो एंडोस्पोर को बनाएगी, वो सेल साइज में इंक्रीज हो जाती है, और उसका जो डीएनए है वो एक्सियल फिलामेंट बनाने के लिए तैयारी करने लगता है। क्या करने लगता है, ये एक एज से दूसरे एज तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्पार्स हो जाता है या फैल जाता है, फैलना। उसके बाद स्टेज फर्स्ट, ये स्टेज जीरो थी, अब स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा कि ये जो एक्सियल फिलामेंट यहां बना, ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, इस एक्सियल फिलामेंट का। और इसकी जो मेटाबॉलिक उपापचय क्रिया है, जैसे कि ये रेस्पिरेशन कर रहा था, फूड वगैरह अपटेक कर रहा था, वो चेंज होने लगेंगी। मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं वो क्या होने लगेंगी, चेंज होने लगेंगी, उनमें चेंज आने लगेगा, कि जिस भी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा था उसके बिल्कुल डिफरेंट होने लग जाएगा उनके अंदर। स्टेज थर्ड, फर्स्ट आ गई स्टेज सेकंड, ऐसे नंबर थर्ड और ऐसे सेकंड। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये जो सेल है, इस सेल के यहां से यहां तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये क्या करेगी, इस पोल से
और इस पोल से इस तरह से इनफोल्ड होना स्टार्ट करेगी. क्या करेगी? इनफोल्ड होएगी. इनफोल्डिंग अंतर्वलन अंदर की साइड में. और वो होगा किस में? सेंट्रीपेटल मैनर में. सेंट्रीपेटल मैनर में. उस वजह से ये धीरे धीरे करके सेप्टम का फॉर्मेशन करेगी. और जब ये इनफोल्ड होगी तो यहाँ पे एक सेप्टम बनेगा. तो इसे कहेंगे ऊपर वाली सेल को, दो सेल्स बन गई, तो जो छोटी वाली सेल है उसे कहेंगे फोरस्पोर. और एक सेल बनेगी मैटरनल या फिर बोल दीजिए पेरेंटल सेल. पेरेंटल सेल या मदर सेल, मातृ कोशिका. इस तरह से स्टेज सेकंड के अंदर होगा. क्या होगा स्टेज सेकंड के अंदर? स्टेज सेकंड के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनफोल्ड होएगी अंदर की तरफ. इनफोल्डिंग होएगी इसकी इनसाइड सेंटर से, सॉरी पेरिफेरी से सेंटर की तरफ. सेंट्रीपेटल. उसके बाद में सेप्टम बन जाएगा और इस सेप्टम से दो सेल्स बनेंगी. जो अपर वाली सेल होगी छोटी सेल इसे कहेंगे फोरस्पोर और एक सेल बनेगी मदर सेल. इसके बाद आगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन फाइव स्टेजेस और बचती हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो हम उन्हें नेक्स्ट क्लास में करते हैं और इसे डायग्रामेटिक भी आपको मैं समझा दूंगी. तो चलिए अगर इसमें कोई डाउट